दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में लूज सिरप के बारे में, देखेंगे भाई ये क्यों दी जाती है, क्या काम करती है, कौन इसका यूज कर सकता है, डोज क्या ले, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है संपूर्ण जानकारी के लिए। देखिए लूज सिरप आती है, एक ब्रांड आता है, ठीक है। लूज यानी लूज मोशन लगाना, यानी लूज मोशन यानी कब्ज तोड़ना, तो नाम से पता चल रहा है भैया कि ये पेट की होने वाली प्रॉब्लम दी जाती है। तो इंटास कंपनी का प्रोडक्ट है दोस्तों, कई सारी पैकिंग के अंदर ही अवेलेबल होती है। व्यक्ति अपने बजट के हिसाब से यानी जेब में रखे पैसे के हिसाब से ले सकता है। अगर पैसे ज्यादा है तो आप हो सकता है 500 ml ले ले, या पैसे कम हो सकता है आप 200 ml 150 ml ले ले। तो कई सारी पैकिंग में आती है, शर्माने की बात नहीं है, अपने हिसाब से लेना चाहिए, पैसे की बात नहीं होती। कंज्यूम कितनी करनी है, प्रॉब्लम कितनी लंबी लेनी है, डॉक्टर कितनी ड्यूरेशन में दिया है वो देखा जाता है। तो कोई शर्म की बात नहीं है, अगर मैं होता तो मैं छोटा पैक ही लेता पैसे बचाने के लिए। आइए जानते हैं भाई क्यों लेता। तो देखिए मैं लेता नहीं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मैं लेता नहीं हूँ, बट डॉक्टर की सलाह लेता हूँ। तो आपको भी डॉक्टर की सलाह लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं भाई लूज सिरप के बारे में। तो लूज जो सिरप आती है ये एक पीने की सिरप आती है, ठीक है, पीने की आती है। और क्या करने की आती है, तो पीना है, कहीं पर डालना नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर जो मेन कंटेंट है उसका नाम है लैक्टोलूज 10 ग्राम। आगे बताइए, तो देखिए लैक्टोलूज जो 10 ग्राम होता है, एक चीनी होता है, चीनी नहीं जो चाय में डाल के पीते हैं, वो चीनी नहीं, लेकिन एक लैक्सेटिव होता है, ठीक है। लैक्सेटिव वो होता है जो फाइबर फूड में मिलते हैं, यानी जो फूड खाते हैं उसके अंदर फाइबर निकलते हैं, वो लैक्सेटिव ही होते हैं। लेकिन हम खाते नहीं, हम कुछ गलत चीज खाते हैं, कुछ गलत पीते हैं, जिसके कारण फाइबर नहीं मिलता, कब्ज बनता है। हम पानी में नहीं पीते, एक्चुअली बात यह, पानी भी नहीं पी सकते। अगर व्यक्ति 8-10 गिलास पर डे पानी पीता है तो इसके लूज लूज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन नहीं पीते हैं तो फिर डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों पानी को पीना है अगर इस लूज से बचना है, अगर नहीं पीना तो लूज पी लीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि ये चीनी होता है, ठीक है, चीनी यानी लैक्सेटिव, लैक्सेटिव यानी फाइबर। ये क्या काम करता है दोस्तों, आंत के अंदर पानी के बहाव को बढ़ा देता है। अगर पानी होगा तो बढ़ा देगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पानी तो पीना ही पड़ेगा आपको, तो पानी होना चाहिए काम करने से पहले। इसलिए इसको 8-10 घंटे लगते हैं, क्योंकि आप 8-10 घंटे में इतना पानी पी लोगे जितना ये काम करने लगती है। तो 8-10 घंटे लगते हैं, यानी रात को पीनी पड़ती है। रात को पियोगे तो सुबह तक आदमी टॉयलेट में जाएगा, यानी फ्रेश हो जाएगा। कब्ज की प्रॉब्लम में काम करती है, कहने का मतलब ये। तो कब्ज है तो आपको रात को पीना पड़ेगा, और सुबह फिर आपकी कब्ज टूट जाएगी, टॉयलेट में आप गाना गाते हुए आराम से फ्रेश होके आओगे, ठीक है। घबराने की बात नहीं, अच्छा काम करती है। दोस्तों आप दिन में भी ले सकते हैं, अगर दिन में घर पर रहते हो, कोई अगर काम नहीं आपको घर पर रहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं भाई ये काम किस तरह से करती है। तो जैसा मैंने कहा, ये पानी के बहाव को आंत के अंदर बहा देती है, ठीक है, बहा देती है। जैसे कि बाढ़ आती है ना, बाढ़ वैसे पानी के बहाव को बाढ़ की फलों में मेरी परिसर से आंत में फेंकती है, ठीक है। जिसे कि जो मल मूत्र पड़ा हुआ है, जो सड़ रहा है, जो चिपका हुआ है आंत के अंदर, जो गैस कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, उसको ये परिसर के थ्रू बाहर निकाल देती है, जिसे व्यक्ति की कब्ज टूट जाती है। तो ये इस तरह से काम करती है, पानी को इनलेट करती है आंत के अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं भाई कितना ले। तो देखिए कोई बड़ा व्यक्ति है, जिस मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, अगर मान लो मैं लेना चाहूँ तो बॉडी वेट के हिसाब से डॉक्टर मुझे 30 ml से लेके 50 ml रात को दे सकता है एक साथ लेने के लिए। अगर मुझसे कोई छोटा भाई है, ठीक है, आधा है मान लो मैं उससे, तो हो सकता है वहाँ पर 10-20 ml दे दें। कोई छोटा बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि 5-6 ml से लेके 7.5 ml डॉक्टर रात को दे दे। दिन में भी ले सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना रात को ही लेने, लेकिन रात को लेने से अच्छा काम करता है, व्यक्ति जल्दी फ्रेश होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सब कुछ अच्छा ही काम करती है, कुछ नुकसान भी कर देती है। जैसे कि पेट में दर्द कर सकती है, फिर आपको पेट दर्द की टेबलेट लेनी पड़ सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, या उल्टी होने का मन कर सकता है, ठीक है। या दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा हेडेक वगैरह हो जाए, पेट में गैस बनने लगते, पेट फूलना लगे, जैसे कि हवा भरती हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम में काम आती है, ये आती है, आपको बता दिया। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, मैंने इतना बड़बड़ाया, कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों और कौन सी मेडिसिन आपको वीडियो देखना है, नहीं देखना है तो भी कोई बात, देखना तो भी बता सकते हैं।